हमने भी सर्वे किया, बिल्कुल जी हमने भी सर्वे किया, लोगों से पूछा कि भाई आप लोग किस चीज से परेशान हैं, तो लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। आवाम के लिए बेरोजगारी जो हालात ही बड़े हैं, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं खरीद सकता, इतनी महंगाई है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बेरोजगारी है जी। आजकल जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई हुई है, इन्हें पढ़ लिखने के बावजूद भी मजदूरियां करनी पै रहे हैं। बंदा कदी कितने ना दुकान खोलन देंगे ना कोई काम करन देंगे, काम कर दें भी आजकल ला रहे थले। इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं, इस वक्त महंगाई बहुत बड़ा मसला है। पिछले साल गंदम जो कि 1400 रुपये थी, इस वक्त 1800 रुपये है जी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जिसकी वजह से हम लोग ना दवाइयाँ खरीद सकते हैं अपना बच्चों के लिए, दवाइयाँ जो सी बहुत बढ़ चुकी हैं रेट। मौजूदा हालात में तो महंगाई है, बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुकिंग ऑयल, आटा, चिकन, चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। महंगाई अपने असर रूज पर है, और इसके साथ साथ बेरोज़गारी है जो है ना, वो तो उसका तो मत ही पूछिए। अब तो हालात इस तरह के आ चुके हैं कि बाज़ार में रेड़ी तक नहीं लगाने देते लॉकडाउन की वजह से। लोग कहते हैं कि एस ओ पीज का ख्याल करें, जब पेट में पेट भरने के लिए खाना ही नहीं पास होगा तो एस ओ पीज कैसे, और कारोबार करने के लिए काम ही नहीं होगा तो वो बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी। कोरोना की वजह से क्योंकि हालात ख़राब हो गया ना, कोटियों पे काम करते थे मगर वो अभी निकाल दिए, कहते कोरोना है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो महंगाई की है, जो चीज़ पहले आज से तकरीबन 15 साल पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब वो 200 रुपए की मिलती है, और तनख्वाहें इतनी की उतनी है वो बढ़ नहीं रही। तो हर चीज़ से परेशान है सिंध, जो खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इसकी वजह से बड़ी परेशान है। जो आए दिन यहाँ पे लॉकडाउन लगा रहे हैं, और जो है इसकी वजह से गरीब बेचारा जो मजदूर है वो सोच रहा है मैं किस तरीके से अपनी दिन भर की दिहाड़ी पूरी करूँगा। महंगाई तो भाई खाना नहीं खाने दे रही है, मिलता ही नहीं खाना गरीबों को। तो जनाब आपने अवाम की राय जानी, अवाम कहती है कि जी लॉकडाउन, महंगाई, ये दो बुनियादी परेशानियाँ। चलें लॉकडाउन तो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, लेकिन महंगाई इसका मतलब है सबसे बड़ी परेशानी है अवाम की। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, ये गैलप पाकिस्तान के सर्वे में जो की राय सामने आई है, आप इसको कैसे देखते हैं, आपके नज़दीक क्या क्या लगता है आपको कि अवाम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? हमने अप्रैल के महीने में तकरीबन 1500 पाकिस्तानियों से एक सर्वे किया जिसको हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहते हैं। इस सर्वे में आवाम के जो इकोनॉमिक हालात हैं, एक तो मुल्क के इकोनॉमिक हालात होते हैं, एक आवाम के इकोनॉमिक हालात क्या हैं, इन पे जब हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि 92% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में महंगाई में शदीद इजाफा हुआ है और वो इसके हवाले से बहुत परेशान हैं। तकरीबन 70% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनके माशी हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बेरोज़गारी में उनके आसपास और उनके घर में इजाफा हुआ है, और सिर्फ 1/4 पाकिस्तानी ये कहते हैं कि आने वाले 6 महीने में उन्हें इस बात का ख्याल है कि शायद उनकी इनकम में इजाफा हो। हमने इसका तज़िया इससे भी किया कि ये पिछले क्वार्टर से, पिछले 4 महीने से किस तरह से मुख्तलिफ है। हमने देखा कि इसमें मज़ीद तनज़ुली आ रही है, और महसूस ये होता है कि आवामी इकॉनमी जो है उसमें एक मंदी का रुझान है, और वो बतदरीज इसमें एक मुश्किलात का सामना हो रहा है। और ये जो लॉकडाउन हम इस वक्त कोरोना के लिए लगा रहे हैं जो नागुज़ीर हैं, इससे मज़ीद आवाम की इकोनॉमिक हालात में शदीद मुश्किलात का सामना नज़र आता है। सही, ठीक है, लेकिन साहब ने ये भी लोग कितने पर उम्मीद हैं कि मौशी हालात आगे जाके बेहतर हो जाएंगे थोड़ा? हमने जब सवाल किया लोगों से कि आपको क्या लगता है कि मुल्क की इकॉनमी अगले 6 महीने में कैसी होगी, हमने पूछा जब कि आपके अपने घराने की इकॉनमी कैसी होगी, इनकम में इजाफा होगा कमी होगी, सेविंग्स में इजाफा होगा कमी होगी, तो तकरीबन 3/4 पाकिस्तानियों ने इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर ये कहा कि वो पुर उम्मीद नज़र नहीं आते, बल्कि वो डिसअपॉइंटेड हैं। उनको लगता है कि उनकी सेविंग्स में भी मज़ीद कमी आएगी, उनकी इनकम में मज़ीद कमी आएगी, और मुल्क के हवाले से भी जो उम्मीद की शरह है उसमें कमी नज़र आती है। बिलाल साहब, जाते जाते ये ज़रा सर्वे के हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये सर्वे काम किस तरह करता है। हम आए दिन देखते हैं गैलप के हवाले से सर्वे जाते रहते हैं,
लेकिन थोड़ा से इस हवाले से बताइएगा कि नतायज कैसे अखज़ किए जाते हैं। ये सर्वे 1500 अफराद पर मबनी था और तमाम चारों सूबे और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से हमने अवामी राय ली और इसमें रूरल इलाके भी शामिल हैं, अर्बन इलाके भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी, छोटी उम्र के अफराद भी शामिल हैं, बड़ी उम्र के अफराद भी शामिल हैं, अमीर और गरीब। तनासुब वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में है, तो हम क्योंकि एक यंग मुल्क हैं तो यंग अफराद की राय इसमें ज़्यादा है, हम क्योंकि एक देही मुल्क हैं तो देही अफराद की राय इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक स्टेटिस्टिकली शुमारियाती तौर पर पाकिस्तान की एक मुकम्मल राय इसमें शामिल है। सही सही। अब बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बता रहे थे कि जनाब किस तरह से सर्विस काम करते हैं, कैसे एक सैंपल को पॉपुलेशन के साथ मैच किया जाता है, और ये सारी सिचुएशन आपको ये बता रही है जनाब कि मुल्क में लोग जो हैं वो लॉकडाउन से तो परेशान है ही, वो अपने रोजगार से भी ज्यादा परेशान है। तो आसान हल है, आसान हल है जी। आपने, आप अगर चाहते हैं कि रोजगार कायम रहे तो गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते रहें, कोरोना फैलेगा नहीं तो लॉकडाउन लगेगा नहीं, लॉकडाउन लगेगा नहीं तो रोजगार मुतासर नहीं होगा। बिल्कुल जी, महंगाई की तो हमने बातें बहुत कर ली, और जब हम महंगाई की बातें करते हैं तो ना सिर्फ आपका बल्कि हमारा अपना बितरा निकल जाता है।